बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टेक। कैसे आज एक नई इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ हाज़िर हुए हैं जो मेरे भाई 203 रुपये में रहते हैं और आप लोग जो है अपने इकामा का एक्सपायरी डेट चेक करना चाहते हैं बगैर अपशर के। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने बगैर अपशर के जो है अपने इकामा का एक्सपायरी डेट जो है वो कैसे चेक करना है। पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, कोई स्टेप मिस मत कीजिएगा। तो इसके लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की डेली इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो इसके लिए आपने कौन सी वेबसाइट पे जाना है या कौन सी कह लें कि लिंक है, उसका लिंक, वो लिंक मैं जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके आप जो है इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। या फिर आप गूगल क्रोम में जाएं, वहाँ पे जाकर आप जो है लिखें mol.gov.sa, आगे इकामा एक्सपायरी लिख के सर्च करेंगे तो जो सबसे पहले वाली जो वेबसाइट है ये वाली, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है जिसमें लिखा है इदारा खिदमात इलेक्ट्रोनियात अलवजारा मवाद अलबशरिया वल्तमिनिया अलिजतमाइया, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। चलिए इस पहले वाली वेबसाइट पर जो है मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा मेरे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, तो आपने यहाँ पे इंतज़ार कर लेना है, ये थोड़ा लेट वर्क करता है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक बॉक्स है, इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर ग्रीन वाले बॉक्स पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करके आपने ग्रीन वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद अगला पेज जो है वह आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरे सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आ चुका है। इसके लिए अगर आप कोई लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको उर्दू, अरबी, इंग्लिश आ जाएगी। तो आप इसको इंग्लिश में करना चाहें तो आप इसको इंग्लिश में कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको इंग्लिश में कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने अपना इकामा नंबर लिखना है और डेट ऑफ बर्थ लिखना है। यहाँ पर मैं अपना इकामा नंबर लिख दूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये हिजरी में दिखाएगा, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जिसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ग्रीगोरियन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने कौन से साल है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद कौन सा महीना है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, और कौन सी डेट है वो अपनी डेट जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। ये तमाम चीज़ें मैंने सेलेक्ट कर ली हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको एक कोड दिखेगा, वो सेम कोड आपने यहाँ पर लगा देना है और नेक्स्ट कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर जो भी कोड है वो लगा देता हूँ, यहाँ पर 5878 उसके बाद 76 है, और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है तो यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा मेरे सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा ओटीपी कोड का। तो आपका जो भी नंबर अपशर पे होगा वो उस पर आपको एक ओटीपी कोड मिलेगा, वो कोड आपने यहाँ पर लगा देना है। जैसे ही आप यहाँ पर कोड लगाएंगे उसके बाद यहाँ पर नीचे ग्रीन बॉक्स में सेंड का ऑप्शन है तो आपने इसे सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पे मैं अपने ओटीपी जो कोड आया वो लगा देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही यहाँ पे मैं सेंड पे क्लिक करूँगा उसके बाद अगला पेज जो है वो मेरे सामने ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन हो जाएगा यहाँ पे आपको तमाम डिटेल आ जाएगी, आपका यूज़र नेम, आपका इकामा, और उसको बिल्कुल नीचे जाएंगे तो आपके इकामा का एक्सपायरी डेट जो है वो आपको शो कर देगा। तो यहाँ पे मेरे सामने मेरा इकामा का एक्सपायरी डेट जो है वो शो कर रहा है। आप भी इस तरह से अपने इकामा का एक्सपायरी डेट इंग्लिश और अरबी दोनों में जो है वो देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो तमाम भाइयों को समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर किसी भाई सवाल है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।